तो गूगल पर इफेक्टिवली सर्च करने के कितने तरीके हैं? अब ये इफेक्टिवली सर्च करना क्या होता है और इनइफेक्टिवली सर्च करना क्या होता है? जैसे यहाँ पे हमने गूगल लिखा और यहाँ पर आके हमने लिखा गूगल सर्च टेक्निक्स, यहाँ पे हमें एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेते हैं। यूजुअली तो हम गूगल पे लिख रहे होते हैं, कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक लिंक मिला है जिसमें इसने हमें एक तरीका बताया है एग्जैक्ट मैच क्या है। यहाँ से आ गए, एक नया टैब लिया और वहाँ से गूगल डॉट कॉम खोली, और गूगल डॉट कॉम खोलने के बाद यहाँ पर आके हम सर्च करते हैं। अब यहाँ समझना, मैंने यहाँ पे लिखा शूज़। अब शूज़ एक कॉमन नाउन है, बहुत सारे शूज़ लिया है, मेट्रो शूज़, प्रीमियम शूज़। लेकिन जैसे ही मैं जाके यहाँ लिखता हूँ बाटा शूज़, तो बाटा के शूज़ सबसे टॉप पे लाया। फिर बाटा ऑनलाइन ऑर्डर, बाटा 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 करता हुआ लिया है। ठीक है, इस तरह अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सपोज टू बी बाटा शूज़ फॉर मैन या वुमेन, मशीन खोल दो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? जैसे बाटा शूज़ लिखा, अब एग्जैक्ट मैच की मिसाल अगर हमारी फिट होगी तो कहाँ होगी? जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा बाटा शूज़ मेल, इंटर किया, तो यहाँ पे बाटा शूज़ मैन आ रहा है, मैन आ रहा है, मेल नहीं लिखा हुआ कहीं पे। लेकिन अगर मैं इसको डबल कोट्स में डाल दूँगा तो आप देखें, तो जहाँ पे लिखा होगा बाटा शूज़ सेल्स फॉर लेडीज़ शूज़, और अगर मैं इसको और ज़्यादा इस तरह से कर दूँ तो बाटा शूज़ आ गया, और अगर मैं इसके आगे सिर्फ बाटा शूज़ ही कर दूँ तो जहाँ जहाँ बाटा शूज़ हो रहा है सिर्फ उसी को लेकर आ रहा है, लेकिन जहाँ पे लिखा होगा बाटा शूज़। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं मिसाल के तौर पे एग्जैक्ट मैच की मिसाल के अंदर यूनिवर्सिटी, द सिटी कॉलेज। अब द सिटी कॉलेज में क्या कर रहा है? सिटी कॉलेज साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान, सिटी कॉलेज पेशावर। अब पता नहीं सिटी कॉलेज पूरी दुनिया के लिए आया, कॉमन नाउन है ना। मैंने इसको लिखा सिटी कॉलेज लाहौर, तो लाहौर सिटी कॉलेज आ गया, लाहौर सिटी कॉलेज आ गया, लाहौर सिटी कॉलेज आ गया। अब मैं इसको लिख देता हूँ कि भाई ये द सिटी कॉलेज लाहौर एग्जैक्ट लेकर आ जाओ, तो द सिटी कॉलेज लाहौर जहाँ लिखा होगा उस लिंक को ये सर्च करके ले आएगा। एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट का मतलब जो मैं लिख रहा हूँ वही लिख रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद अगला है साइट। अब साइट का क्या है, जैसे कैसे सर्च करना है इसको समझे पहले। फॉर एग्जाम्पल सर्च फॉर साइट फ्री कॉट कॉम रिएक्ट, यानी कि पहले साइट लिखना है, वेबसाइट बतानी है, फिर अपना सवाल। तो साइट, अब मिसाल के तौर पे मैं पढ़ना चाह रहा हूँ किसके बारे में, सपोज हम पढ़ना चाह रहे हैं शुएब अख्तर के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, शुएब अख्तर, लिख दिया एंटर। अब शुएब अख्तर के बारे में जहाँ जहाँ डिटेल है वो सारी ले आया, ये क्रिक बुज पर है, इंस्टाग्राम पर है, यहाँ पर यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, लेकिन मैं पढ़ना चाह रहा हूँ शुएब अख्तर के बारे में जियो न्यूज़ पर, कि जियो न्यूज़ पर क्या है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और क्लिक करूँगा साइट, ठीक है, साइट के बाद किस पर पढ़ना चाह रहा हूँ, जियो।
TV, उनकी वेबसाइट लिखूंगा, साइट का मतलब है वेबसाइट, और शुएब अख्तर। तो जो भी जियो के ऊपर शुएब अख्तर के बारे में न्यूज़ आई होगी वो ले आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं जियो TV पे नहीं पढ़ना चाह रहा, सवा TV पे पढ़ना चाह रहा हूँ, समा TV, उसकी वेबसाइट लिखनी है। तो अब जो उसके ऊपर आया होगा समा न्यूज़ के ऊपर, उस पर सर्च करके ले आएगा। भाई देखें ना, एक खबर ब्रेक हुई, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर आई, लेकिन आप सारी वेबसाइट्स पर नहीं पढ़ना चाह रहे, किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पर पढ़ना चाह रहे। अच्छा, अब आप देखना चाह रहे द न्यूज़ इंटरनेशनल, जो हमारा एक jung.com.pk पे इसके बारे में क्या खबर आई है। तो डेली जंग में शुएब अख्तर के बारे में जो खबर आई है वो आपको दिखा देगा। मतलब साइट लिख के कॉलन लगाना है, फिर वेबसाइट जिस पर आप सर्च करना चाहते हैं, और फिर जो सर्च करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बताइए, ठीक है। जैसे अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं साइट के ऊपर विकीपीडिया पर पढ़ना चाह रहे हैं शुएब अख्तर के बारे में, तो wikipedia.org वेबसाइट लिखेंगे और शुएब अख्तर आगे लिख दिया, तो विकीपीडिया पर शुएब अख्तर के बारे में क्या डेटा है वो आपको दिखाएगा। और देखिए, वैसे अगर मैं शुएब अख्तर लिख रहा हूँ तो शुएब अख्तर का डेटा कहाँ कहाँ है, सारी वेबसाइट्स पर ला के दिखा रहा है। मैस हो रहा है ना, स्पेसिफिक जाना है तो साइट लिख के इसे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, अगला वाला हमारे पास है एक्सक्लूड फ्रॉम सर्च टर्म। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए माइनस का निशान कैसे यूज़ करेंगे। अभी मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, मिसाल के तौर पे सलमान लिख रहा हूँ, देखिए क्या लिख रहा हूँ, क्या लिखा है मैंने, और सर्च क्या हुआ है, सलमान खान। भाई मैंने तो सलमान खान को सर्च नहीं किया, मैंने तो सलमान को सर्च किया था, सर्च हो गया सलमान खान। अब ये क्यों होता है, ये SEO की वजह से होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जिसका ज़्यादा रैंक है, जिसके ज़्यादा सर्चेज है, जिसके ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, वो सबसे टॉप पर आ जाता है। अच्छा, आप देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सलमान और आगे क्या लिख रहा हूँ, खान, तो सलमान खान ही आ रहा है। अब खान के पहले मैं लगा रहा हूँ माइनस, क्या लगा रहा हूँ, और इंटर कर रहा हूँ। अब कौन आ रहा है, अब सलमान आगा आ रहा है और कोई और आ रहा है, सलमान अली आ रहा है, लेकिन सलमान खान नहीं आ रहा, समझ रहे बात को। ये माइनस से क्या हुआ, उसने इस वाले वर्ड को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब सर्च के अंदर सलमान खान में से खान को माइनस कर दिया, तो अब सलमान जिनके टैग पर होगा वो सर्च करके लिया है। ओके, इसी तरह से देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा हैदराबाद, हैदराबाद इंडिया, क्या लिखा, तो ये इंडिया में भी हैदराबाद है आपको पता है, वो सर्च करके लिया है। मुझे सिर्फ हैदराबाद सर्च करना है, तो इंडिया से पहले मैंने क्या लगा दिया, अब सिर्फ हैदराबाद सर्च करेगा और ये हैदराबाद सिटी पाकिस्तान को सर्च करके लिया है, बात समझ रहे। अच्छा, मैंने हैदराबाद सिटी इंडिया और पाकिस्तान दोनों लिखा, अब किसको सर्च करेगा, हैदराबाद पाकिस्तान को, हैदराबाद इंडिया को, क्यों इंडिया को क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्सक्लूड हो रहा है, निकाल रहा है। अब मैंने यहाँ से माइनस हटा के यहाँ माइनस लगा दिया, अब किसको सर्च करेगा, क्योंकि वो माइनस को सर्च नहीं कर रहा, सही है। तो कभी भी कोई सेंटेंस लिखा है जिसमें से जो जो निकालना है उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं, उससे पहले क्या लगा दो, ठीक है ना। जैसे एक सवाल बना लेते, व्हाट इज कंप्यूटर, मोबाइल, अभी तो कंफ्यूजिंग सवाल है, तो हमने यहाँ के माइनस लगा दिया, क्या सर्च करेगा, व्हाट इज मोबाइल, सही है। और अगर मुझे कंप्यूटर सर्च करवाना है तो यहाँ पे लगा दिया माइनस, व्हाट इज कंप्यूटर सर्च कर लेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, आगे चलते हैं, चौथा वाला, सर्च इमेजेस फॉर पर्टिकुलर साइज। अब इमेजेस को पर्टिकुलर साइज पे सर्च करना है, तो तरीका देख ले क्या है, तरीका क्या है इसका, इमेज साइज डायमेंशन बतानी है और फिर बताना है कि भाई वो कौन सा इमेज है। तो आ जाए इमेजेस पर, आ गए, यहाँ लिखा इमेज साइज कॉलन डायमेंशन 500 पिक्स बाय पिक्स फॉर पिक्सल एक्स 500 पिक्स, ये इसका हमने साइज निकाला है, 500 चौड़ाई हो 500 ये हो। किसकी इमेज ढूंढ के लेकर आए, सपोज शाहरुख खान की, एंटर। तो अब जितनी भी पिक्चर सर्च करके लाएगा ये सारी पिक्चर 500 बाय 500 की होगी, और अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 200 बाय 200 की सर्च करके लेकर आए, किसकी लेकर आए, एप्पल आईफोन की। तो जो भी इमेजेस अब ये सर्च करके लेकर आएगा वो सब 200 बाय 200 की होंगी और वो एप्पल आईफोन की होंगी,
तो इस तरह से आपने सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, 7 कंबाइन सर्च ओर एन एंड, दो सर्च करना चाह रहे हैं चीजें। अब दो सर्च करना चाह रहे हैं, दो में दो बातें, या तो ये या तो ये या ये दोनों। जैसे आपने कहा कंप्यूटर एंड कैपिटल मोबाइल, दोनों को सर्च करके लेकर आएगा। कंप्यूटर एंड मोबाइल, दोनों ऐसी पिक्चर्स लाया जिसमें कंप्यूटर और मोबाइल था, और अगर मैं लिख देता कंप्यूटर और मोबाइल तो या तो कंप्यूटर की सर्च करेगा या मोबाइल की सर्च करेगा। चले इस तरह ऑल में भी देख लेते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल में सिर्फ कंप्यूटर सर्च करके ला रहा है, कंप्यूटर एंड मोबाइल में कंप्यूटर बेसिक्स मोबाइल डिवाइसेस, दोनों को सर्च करके ला रहा है। तो यहां पे हम देखें एक और तरीके से करते हैं, सलमान, सलमान खान आ रहा है, सलमान एंड शाहरुख। अब देखें तो ऐसे फोटोज और ऐसे लेकर आया टॉपिक्स जिसमें सलमान और शाहरुख दोनों साथ थे, लेकिन अगर मैं एंड को हटा के और लगाऊंगा तो या तो सलमान से रिलेटेड लेकर आएगा, और अगर शाहरुख से रिलेटेड मिलेगी तो शाहरुख से रिलेटेड भी ले आएगा, और दोनों से रिलेटेड मिलेगी तो दोनों भी ले आएगा। और में चॉइस है, एंड में वैसे ही लाना है, चॉइस नहीं है। शाबाश, ताकि डिफरेंशिएट हो ना, वरना वो इंग्लिश का वर्ड समझ जाएगा, कमांड नहीं समझेगा, ठीक है। ओके, 8वां फिल्टर सर्च आफ्टर एंड बिफोर। अच्छा भाई, आफ्टर एंड बिफोर, ठीक है। अब देखिए शाहरुख खान मूवी, अभी सही कर लेगा वो खुद ही। अब शाहरुख खान की तो बहुत सारी मूवीज हैं, तो ये कैसे काम करेगा आफ्टर एंड बिफोर? तो हम क्या करेंगे, देखिए शाहरुख खान मूवीज, आफ्टर, आफ्टर का क्लास लगाएंगे, आफ्टर कैपिटल लिखेंगे, कॉलन 2023। तो शाहरुख खान की उन मूवीज की लिस्ट लाया जो 2000, ठीक है। अच्छा अभी रुके, बिफोर 2000, तो अब उन मूवीज की लिस्ट लेकर आया जो 2010 से इससे पहले बनाई थी। बात समझ में आ रही है? मतलब कोई न्यूज है, कोई इंफॉर्मेशन है, वो बार बार आ रही है, वर्ल्ड कप है, मैच है, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं जो इस तारीख से, इस दिन से, इस महीने से, इस साल से पहले हुआ था, तो उसके बारे में कैसे सर्च करें भाई। मिसाल के तौर पे आप मालूम करना चाह रहे हैं वर्ल्ड कप, अब वर्ल्ड कप तो आ गया भाई, क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। अभी तो पता नहीं कौन कौन से ले आएगा, मैं जानना चाह रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 95 से पहले हुआ था, तो मैंने कहा क्रिकेट वर्ल्ड कप बिफोर 1990, ओके। तो हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 1995 से पहले हुए थे, 75 में हुआ था, ले आया डिटेल्स वाली सारी, 95-96 के लिए आया। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? और आफ्टर लगा देंगे तो उसके बाद वाली ले आएगा, ठीक है। अब चलते हैं, बस इसके बाद आखिरी है, रिलेटेड google.com। अच्छा ये भी बड़े ज़बरदस्त चीज़ है, ये सर्चिंग टेक्निक अगर आपको मैं बताऊं, जैसे एक न्यूज़ ब्रेक हुई, कोई न्यूज़ बताएं, न्यूज़ ब्रेक, कोई न्यूज़ बताते हैं ना, कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे इमरान खान से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, इमरान खान लिखा हमने, ठीक है। अब इमरान खान लिखा, इससे रिलेटेड न्यूज़ है, अब चेक आउट द रिलेटेड वेबसाइट यूजिंग रिलेटेड, तो कैसे लिखेंगे, रिलेटेड google.com। तो कैसे कहेंगे, अ सर्च ऑन रिलेटेड google.com विल फेच ऑल द वेबसाइट्स दैट सिमिलर गूगल बिंग्स वगैरह, तो इसने कहा रिलेटेड google.com, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कहा इमरान खान रिलेटेड jio.tv। अब इमरान खान से रिलेटेड जितनी भी न्यूज आई है जियो टीवी पर, या जियो टीवी जो एक वेबसाइट है उससे रिलेटेड और भी वेबसाइट्स होंगी, जैसे समा टीवी, ARY TV, CNN TV, उस पर सारी न्यूज़ ले आएगा। ये जियो की दिखा रहा है, यूट्यूब पे दिखा रहा है, जियो पे, यूट्यूब पर, और आगे चलें फिर फोर पे देखते हैं, फेसबुक पर आ गया, पाकिस्तान टुडे पे आ गया,
वन इंफ्रा पे आ गया, टीआरटी वर्ल्ड पर आ गया, फिर जियो पर आ गया, फिर यूट्यूब पर आ गया, बिजनेस स्टैंडर्ड, मतलब वो तमाम इन्फॉर्मेशन उसी से रिलेटेड वेबसाइट पर होंगी, न्यूज़ की है तो न्यूज़ की। अच्छा, इसी तरह हम यहाँ लिखते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रिलेटेड, ठीक है, ESPNstar.com, ये एक वेबसाइट है। तो अब इनकी इंफॉर्मेशन जितनी भी स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे होंगी वो सारी ले आएगा। यानी कि एक ही टॉपिक को रिलेटेड करके किसी एक वेबसाइट पे सर्च करें तो ये आपको उसी जैसी जितनी वेबसाइट्स होंगी उन पर अगर वो टॉपिक है तो उनकी इंफॉर्मेशन को लाके दिखा देगा। अब रह गया आखिरी कैशे। अच्छा, ये इतना तुम्हें समझ में नहीं आएगा लेकिन कैशे मतलब क्या होता है थोड़ा सा इसे समझाता हूँ वर्बली। तो भाई जब भी वेबसाइट कोई सर्च होती है ना तो पहले तो वो उसके मेन सर्वर से आती है, फिर जो हमारे पास पहुँचती है तो हमारे सर्वर में उसकी मेमोरी स्टोर हो जाती है। तो सेकेंड टाइम जब हम उसको सर्च करते हैं तो वो जल्दी से लेकर आ जाता है। जैसे ये बात इस तरह की है कि मैंने आपको एक सवाल दिया जैसे 2 + 2 + 3, तो इसमें तो आपने अपना IQ यूज़ किया, 2 + 2 = 4 + 3 = 7। लेकिन ये सवाल अगर मैं दोबारा करूँ 2 + 2 + 3 क्या कहेंगे? 7। अब आप IQ यूज़ नहीं करेंगे, रिपीट कर देंगे। ऐसे ही कंप्यूटर्स में हो रहा होता है। फर्स्ट टाइम में कोई आपने ऐसा डेटा सर्च किया जो कि एक नहीं दो नहीं 50 100 कंप्यूटर में से आया, लेकिन लास्ट कंप्यूटर में से जो आपको डिलीवर हुआ आपके कंप्यूटर पे उसके अंदर उसका कॉपी रह जाती है, उस कॉपी को हम कहते हैं कैश, कैश है। अब हम ये चाह रहे हैं कि ऐसी रिपोर्ट हमें अपने पास से दे दे जो कैश में हो, तो उसके लिए जल्दी से रिजल्ट आ जाते हैं। जैसे इसके सर्च किया इसने कैश, एक वेबसाइट को सर्च कर लिया इसने, तो उसके लिए क्या लिखना है? जैसे हम लिखा कैश www.facebook.com। अब जैसे जैसे facebook.com का कैश में जो जो डेटा होगा वो जल्दी से हमें ये रिटर्न कर देगा जो भी होगा इसके पास। इसी तरह से अगर हम कह रहे हैं w3school.com, तो w3school.com का जितना भी इसके पास कैश में डेटा होगा तो वो हमें दे देगा। अगर नहीं होगा तो क्या देगा? नहीं है भाई, मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो वो डेटा जो इसकी कैश मेमोरी में होगा जल्दी से आपको रिटर्न कर दे। इस तरह हम टेस्ट कर लेते हैं क्या ये पेज अपडेटेड है या पुराना है। देखो, जो उसकी कैश में पड़ा हुआ है इसका मतलब वो पुराना हो गया है, जो अपडेटेड होगा वो तो उसकी कैश में होगा ही नहीं, वो बाय बाय अपडेट होता रहेगा। तो इस तरह हम ये चेक कर लेते हैं कि आइदर वो कैश में है या नहीं। तो बहरहाल आज हमने देखा कि गूगल के ऊपर ये 10 ट्रिक्स जो हैं सर्चिंग, हमारे टास्क को आसान बना सकते हैं, और आप गूगल पर सर्च करते हुए इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो और आप स्पेसिफिक रिजल्ट्स को हासिल कर सके। इसकी वीडियो मैं सेंड कर देता हूँ आपको।